नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका थाना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने की अपील भी की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने गंगा यमुनी संस्कृति को कायम रखते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने तथा आपसी मिल्लत को कायम रखने पर बल दिया। वहीं बैठक में थाना क्षेत्र के बीरबांध गांव में मिलने की जमीन को ले आपसी विवाद को शनिवार को सुलझा लेने का आश्वासन अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया। वहीं जुलूस के दौरान एक दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों एवं भावनाओं का ख्याल रखने की नसीहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार ने दी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज को नियंत्रित रखने की अपील की गई। उन्होंने संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश की बातें विस्तार से बताई। कार्यक्रम का संचालन विवेक कुमार चौधरी ने किया। मौके पर पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, अंचलाधिकारी निषाद अंबर, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद परवेश, थाना प्रभारी चिंतामन रजक के अलावा डॉक्टर मोहम्मद इकराम, मोहम्मद शोएब खलीफा, जैनुल अंसारी, रशीद सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, हुसैनी अंसारी, किशोर कुमार, मोरध्वज प्रसाद सिंह, सुरेश पांडे, डॉक्टर अलक निरंजन सिन्हा, खडीहा पंचायत के मुखिया अनिल कुमार चंद्रवंशी, मोहम्मद सोएब खलीफा, मुखिया अनीमा देवी, मोहम्मद कलाम, भोला ठाकुर, महिमा गुप्ता तथा नसीरुद्दीन कादरी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।